हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एचआर क्लासेस। मैं पवन सर, आज मैं आपको इस क्लास में इंटरोगेट सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स सिखाऊंगा, जो कि कॉम्पिटिटिव प्लस एकेडमिक क्लास दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस, देखो सबसे पहले यह जरूरी है कि इंटरोगेट सेंटेंस कहते कैसे हैं। इंटरोगेट सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जिसका जो आंसर है हम यस या नो में देते हैं। सेकेंड जो टाइप है वो है आपका विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड की सहायता से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। ओके, तो इन दो तरीके से हम क्या करते हैं, प्रश्न को पूछते हैं। और दोनों ही तरीकों का हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट रूल है आपका रिपोर्टिंग वेबसाइट को हमें चेंज करना है आस्क या इनक्वायर्ड ऑफ में। इनक्वायर्ड ऑफ में देखिए असर्टिव सेंटेंस में क्या था, सैड को चेंज कर रहे थे हम, सैड को सैड में भी कर रहे थे, सैड टू को टोल्ड में चेंज कर रहे थे। जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सैड को आस्क या इंक्वायर ऑफ में चेंज करते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर इफ या वेदर लगाते हैं। देखिए असर्टिव में क्या था, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर कंजंक्शन दैट लगा रहे थे, और यहाँ क्या आएगा आपका इफ या वेदर। वेदर देख लेना, डब्ल्यू एच टी एच ई आर होता है, एक वेदर होता है डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, वेदर मीन्स मौसम, ठीक है वेदर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर इफ या वेदर दोनों में से कोई एक लगाएंगे, जिसकी जैसे कि आस्क को आप में से लगा रहे हैं। थर्ड रूल है आपका वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो किसमें होगा, इंटरोगेट सेंटेंस में। जब इसके हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे किसमें चेंज कर देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में, और इंटरोगेटिव मार्क की जगह क्या आएगा आपका, फुल स्टॉप आएगा। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है आपका अंजलि सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगेन हैव यू एवर बीन टू आगरा। ये देखिए अंजलि सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू आगरा। देखिए जो इन्वर्टेड कॉमास जो होता है वो हमेशा, सॉरी इंटरोगेटिव जो मार्क होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगाया जाता है, ये याद रखिए। अब देखिए इसका इंडायरेक्ट क्या होगा, अंजलि की अंजलि रहेगी आपकी, सैड को किस में चेंज करना है, आस्क इंक्वायर ऑफ में दोनों से कोई एक में। मी का क्या रहेगा आपका, मी इन्वर्टेड कॉमास को किस में चेंज करना बताया था आपको हमने, इफ या वेदर में, दोनों से कोई एक। अब देखिए ये जो वाक्य आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो हम क्या करेंगे, पहले बताया था मैंने आपको कि इंटरवर्ट सेंटेंस को किस में चेंज कर देंगे, असर्टिव सेंटेंस में। तो यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट केस आई। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैड। एवर की एवर बीन टू आगरा, और इन्वर्टेड इंटरोगेटिव मार्क की जगह क्या जाएगा आपका, फुल स्टॉप। अगेन समझ लीजिए, सैड को किस में चेंज कर दिया हमने, आस्क में, इन्वर्टेड कॉमास के सामने क्या आ गया आपका, इफ, या वेदर भी लगा सकते हैं आप। अब ये सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब से।
जब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, वाक्य को असर्टिव बना देंगे। जब असर्टिव बनाएंगे तो यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ये क्या है आपका मी, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका आई। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब हैड, एवर की एवर हो गई, बीन की बीन, टू और आगरा। ये सेंटेंस आपका हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। करण सेड टू गर्ल्स, कॉमा इनवर्टेड कॉमा से बिगेन, डू यू हेल्प मी। देखिए करण सेड टू गर्ल्स डू यू हेल्प मी। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट, करण की क्या होगी आपकी, करण सैड को किसमें चेंज करेंगे, सैड हो या सैड टू हो दोनों ही किसमें चेंज हो जाएंगे, आस्क में। गर्ल्स की क्या रहेगी आपकी, गर्ल्स रहेगी, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पे क्या लगा लेंगे आप, इफ या वेदर, दोनों से कोई एक। अब ये देखिए ये सेंटेंस जो है वो टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका गर्ल्स, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका दे हो जाएगा। देखिए यदि कोई एक लड़की होती तो लगाते हम सी, अब क्या है ये एक से ज्यादा है, प्लूरल वर्ड है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे दे लगा देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे तो हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। ये लीजिए अब यहाँ देखिए आपका आया है मी, और मी क्या होता है आपका फर्स्ट पर्सन, आई का ऑब्जेक्ट होता है, तो सब इसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या आपका करण, तो करण के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये हिम हो जाएगा। तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट वाला जो रूट था वो था आपका कि यदि सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो उसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस तरीके से बनाते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। देखिए नेक्स्ट रूल है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, तो जब उसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे क्या कर देंगे, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए एग्जांपल इसका, साधना सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा से बिगिन, डू यू नॉट वॉच टीवी। देखिए साधारण से डू यू नॉट वॉच टीवी, अब ये जो सेंटेंस है आपके सामने कौन सा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए जरा साधना की क्या हो जाएगी आपकी, साधना सेड को किसमें चेंज करेंगे, आस्क में हो गया, अब यहाँ क्या हो जाएगी आपकी इफ या वेदर, यू क्या है आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने असर्टिव को जिससे मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने रूल बताया था आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो अपनी ओर से हम क्या करेंगे, मी हिम और हर तीनों में से किसी एक को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। कौन कौन से में से, मी में से, हिम में से या हर, इन तीनों में से किसी एक को क्या करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। सपोज कर हमने मी मान लिया तो क्या आ जाएगा आपका, आई कन्वर्ट हो जाएगा, हिम मानेंगे तो ही हो जाएगा, हर मानेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब पास्ट में जाएगा तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डिड, नॉट है ये, वॉच की क्या हो जाएगी आपकी, वॉच, और टीवी की टीवी। देखिए ये जो वाक्य था आपका वो इंटरोगेटिव नेगेटिव था,
इसे कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट में क्या कर दिया है, नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। देखिए नेक्स्ट रूल है आपका, यदि आप लिखना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है आपका, यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो क्या करेंगे, इफ या वेदर नहीं लगाते, इफ या वेदर नहीं लगाते। देखो यदि आपका जो डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्ट है, स्पीच का जो सेंटेंस होगा, वो आपका किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब किसी प्रश्नवाचक शब्द से अगर शुरू हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। इफ या वेदर के स्थान पर किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करते हैं जो क्वेश्चन वर्ड उसमें आया हो। देखिए एग्जाम्पल, देखिए परम सैड टू सरला कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन वेयर आर यू गोइंग टूडे। देखिए वेयर आर यू गोइंग टूडे, अब देखो इसमें क्या है, परम की परम सैड को किसमें चेंज करेंगे आप, आज में सरला की क्या होगी आपकी सरला। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है आपका, अब स्टार्ट हो रहा है किसी क्वेश्चन वर्ड से, किससे स्टार्ट हो रहा है, वेयर से। तो हम क्या करेंगे, इफ या वेदर न लगा करके जो भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर आएगा, वेयर हाउ व्हाट व्हेन हाउ मेनी हाउ मच, जो भी क्वेश्चन वर्ड आता है उसे सेम लिख देंगे। क्या करेंगे, इफ या वेदर न लगा करके उसी क्वेश्चन वर्ड को सेम पुट कर देंगे। अब क्या है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट सरला है तो क्या हो जाएगा, सी। ये सेंटेंस, ये जो टेंस है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चेंज किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इज आरम किस में चेंज हो गई, वॉज में। गोइंग की क्या हो जाएगी, गोइंग। और टुडे का क्या हो जाएगा आपका, दैट डे। टुडे को किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। देखिए तो मोहन की क्या रहेगी आपकी, मोहन हो जाएगी, सैड का अगेन आस्क। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या आ गया आपका, वहां वो वेयर था, यहाँ पे क्या आ गया, वॉट आ गया। तो वॉट की क्या हो जाएगी, वॉट ही होगी। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट कोई दिया नहीं है, तो अपनी ओर से क्या मान लेंगे, नी मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई। अब प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज करना है हमें, पास्ट में, तो हैड, और डन की क्या रहेगी, डन। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। तो आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। यदि आर एस का वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्या करना है आपको, उस क्वेश्चन वर्ड को सेम उतार लेंगे जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, और बाकी को असर्टिव बना देंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि वाक्य में यस या नो आ जाए, क्या आता है आपका, यस या नो, तो यस के लिए क्या करेंगे, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। देखिए और इसका हो जाएगा रिप्लाइड इन द नेगेटिव। देखो यदि वाक्य में क्या होता है, लास्ट में यस या नो आ जाता है, तो क्या करेंगे, यस के लिए रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर देंगे, या रिप्लाइड इन द नेगेटिव। नो के लिए रिप्लाइड इन द नेगेटिव, और यस के लिए रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव।
और दूसरा तरीका इसका यह है, सब्जेक्ट सेड दैट, अगेन वही सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और इसका क्या होगा, सब्जेक्ट सेड दैट, अगेन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या आ जाएगी आपकी नॉट हो जाएगी। अब देखिए जरा, करण सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन। अब देखिए इसमें, डू यू मिस मी कॉमा यस। अब देखिए सेंटेंस क्या है, करण सेड टू मी डू यू मिस मी, और लास्ट में क्या दे दिया है, यस yes. तो देखिए क्या करेंगे, करण की क्या रहेगी आपकी, करण सैड का चेंज होगी आपकी आस्क में, मी का क्या रहेगा आपका मी, और ये वाला जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है आपके हेल्पिंग वर्ब से, तो क्या लगा देंगे हम इफ या वेदर, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी, तो क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी मिस की, मिस्ड, मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट करण है तो क्या हो जाएगी हिम। देखो यहाँ तो तुम्हारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया, बस अब क्या रह गया है यस रह गया, तो यस के लिए क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होकर के आया है, यहाँ पर क्या आया आपका आई, तो इसी को लिख लेंगे, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। देखिए जो भी सब्जेक्ट डायरेक्ट से चेंज होकर इनडायरेक्ट में जो भी आया है उसे क्या करेंगे, उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, यस है तो क्या कर देंगे रिप्लाई इन द अफर्मेटिव। और दूसरा तरीका कैसा है इसका देखिए, आई सेड दैट दैट, फिर अगेन आई, अब उसके बाद क्या था हेल्पिंग वर्ब, तो जो भी टेंस चेंज होकर के आया है उस टेंस की क्या करेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम लगा देंगे, ये प्रेजेंट डेफिनेट था, चेंज किस में हुआ पास्ट इंडेफिनेट में, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है आपकी डिड। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, तो आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं नो वाला, देखिए पीहू सेड टू करण कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, कैन यू हेल्प मी कॉमा नो। देखिए तो पीहू का क्या रहेगा आपका, पीहू सेड का क्या करेंगे आस्क, करण की करण, अगेन क्या लगा लेंगे हम यहाँ पे इफ लगा लेंगे, क्योंकि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब से, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट करण है तो क्या हो जाएगी ही हो गया, कैन का क्या कर देते हैं हम, कैन को चेंज करते हैं कुड में, हेल्प की हेल्प, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट आपका क्या है पीहू, कोई लड़की है तो क्या हो जाएगा हर, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका, क्या रह गया आपका नो, तो नो के लिए क्या करेंगे यहाँ कौन सा सब्जेक्ट चेंज होकर के आया है ही, तो लीजिए ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा आपका, यही ही सेड दैट ही, अब देखिए इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी चेंज होकर के कुड, तो क्या करेंगे कुड, और उसके बाद क्या लगा देंगे नॉट, तो यदि यहाँ पे यस आती है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का छोड़ते हैं, और नो आ जाती है तो क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, यस के लिए अफर्मेटिव और नो के लिए नेगेटिव होता है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, यदि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिख सकते हैं और मैं उस डाउट को आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल है आपका, देखिए यदि वाक्य के अंत में
क्वेश्चन टैग आए तो सैड को आस्क्ड में बदलकर इफ लगाकर, इफ या बैदा कुछ भी लगाकर क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं, टैग को हटा देते हैं। देखिए कोई सेंटेंस है आपका, वो सेंटेंस क्या असर्टिव में हुआ, असर्टिव के बाद किस में आ जाएगा, क्वेश्चन टैग में आ जाएगा। यदि ऐसा कोई फॉर्मेट है तो क्या क्या करेंगे, इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो सैड को आस्क में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हम इफ या वेदर दोनों में से कोई एक लगा लेंगे और बाकी को सिंपल तरीके से बना करके क्या करेंगे, हम क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। देखो राम सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगेन यू यू स्पीक इंग्लिश कॉमा डोंट यू, क्वेश्चन टैग तो आप जानते होंगे, जब लास्ट में जब किसी से कोई हम बात करते हैं अफर्मेटिव बोलेंगे तो लास्ट में नेगेटिव बोल देंगे, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो लास्ट में अफर्मेटिव रखते हैं। जैसे तुम अंग्रेजी बोलते हो ना, तो ना जो बड़ा आ रहा है उसके लिए क्या होता है, वो क्वेश्चन टैग में जाता है। जैसे तुम अंग्रेजी बोलते हो ना तो क्या हो जाएगा, यू स्पीक इंग्लिश ना तो क्या हो जाएगी, डोंट यू, तुम खाना खाते हो ना, यू ईट फूड डोंट यू, तुम स्कूल नहीं जाते हो ना, यू डोंट गो टू स्कूल डोंट यू सॉरी डू यू, इस तरीके से होगा। तो यदि ये वाला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव में होगा, और ये आपका नेगेटिव है तो ये किस में हो जाएगा, आपका अफर्मेटिव में हो जाएगा। अफर्मेटिव मतलब इंट्रोगेटिव में रहेगा और वो वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाता है। देखिए किस तरीके से होगा, इनडायरेक्ट देखिए जरा इसका, राम की राम सैड को किस में चेंज करेंगे आप, आस्क में, मी का क्या रहेगा आपका मी, यहाँ क्या लगा देंगे वही इफ या वेदर कुछ भी, इफ लग गया, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा आपका आई, स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी स्पोक, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, पास्ट में क्या हो जाएगी स्पोक, इंग्लिश की इंग्लिश, बाकी इसको क्या करेंगे हटा देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो याद रखें ये तुम्हारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखें यदि किसी वाक्य में कोई क्वेश्चन टैग आता है तो उस क्वेश्चन टैग को हम हटा देते हैं और बाकी जो सेंटेंस होता है उसे हम इस तरीके से बना लेते हैं। और इतना याद रखें ये जो वाक्य है वो हमें असर्टिव में दिखाई दे रहा है, फिर भी हमें क्या करना है, सैड को आस्क में करना है और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करना है, कब, जब उसके अंत में क्या आया हो, कोई क्वेश्चन टैग आया हो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं, देखो सुधा सेड टू श्याम यू यू कैन नॉट हेल्प मी कॉमा कैन यू। अब देखिए सेंटेंस में पहला वाला सेंटेंस क्या था, ये अफर्मेटिव था तो ये किसमें था, नेगेटिव में हो गया था, अब ये नेगेटिव में तो इसे किस में कर दिया है, अफर्मेटिव में। ओके होता ये तुम्हारा क्वेश्चन टैग ही है, क्वेश्चन टैग मतलब ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव में हो गया और नॉट लग जाती है तो कौन सा हो जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसी को हम कहते हैं कांट यू, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता। तो अब देखिए कैसे करेंगे, सुधा की क्या रहेगी आपकी, सुधा सैड को किस में चेंज करना है आपको, आस्क श्याम की, श्याम हो गई आपकी, यहाँ क्या लगाएंगे इफ या वेदर, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट क्या है आपका श्याम, तो श्याम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका ही, कैन का क्या करेंगे आप कोड, नॉट यहाँ है तो नॉट की नॉट हो जाएगी आपकी, और हेल्प मी की हेल्प मी, सॉरी मी फर्स्ट पर्सन है
तो ये सब्जेक्ट कैंसर जाएगा, तो सुधा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन टैग को क्या कर देंगे हम हटा देते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि किसी वाक्य के अंत में अगर क्वेश्चन टैग आता है तो उस क्वेश्चन टैग को हम हटा देते हैं और बाकी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, सिंपल की तरह चेंज कर देते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट रूल है आपका यदि आरएस के वाक्य से इच्छा या ऑफर का बोध हो तो वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। देखिए यदि आरएस के वाक्य से किसी ऐसी इच्छा का बोध हो रहा है या किसी कोई चीज उसे ऑफर की जा रही है तो क्या करेंगे हम, इफ की बजाय वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो इफ की बजाय वेदर का प्रयोग अच्छा माना जा रहा है, ये नहीं है कि आप इफ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, अच्छा माना जा रहा है कि आप वेदर लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इफ भी तुम्हारा ठीक रहेगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। बॉयस सेड टू मी कॉमा इन्वर्टर कॉमास बिगिन वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। देखिए तो वॉयस की क्या हो जाएगी आपकी, वॉयस सैर को आस्क मी इफ की जगह क्या लगा देंगे, सॉरी इन्वर्टर कॉमास की जगह क्या लगेगा, वेदर। देखिए क्यों, इस वाक्य से क्या हो रहा है, कोई चीज उसे ऑफर की जा रही है कि क्या आप चाय का एक कप लेंगे, एक चाय कप लेंगे, तो क्या करेंगे, वेदर हो गया। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कैंसर क्या हो जाएगी, आई बुड़ का बुड़ रहेगा, लाइक की लाइक हो गई आपकी, टू हैव अ कप ऑफ टी। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि यदि कोई चीज ऑफर की जा रही है या कोई उसकी इच्छा है तो क्या करेंगे, इफ की बजाय यहाँ पे वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। बाकी जैसे तुम्हारा चेंज हो रहा था बाकी सारी चीजें ऐसे ही सेम रहेंगे। तो आई होप आपकी क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में जा करके अपने डाउट को लिख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास आ जाए। थैंक यू।